नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास गोदान का 22वां भाग। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा। वह हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसके निजत्व को अपने आंखों को में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने लिए ही करे। नहीं, वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाए। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जवान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादों का बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना, या उनके मुआवलों का अफसरों से मिलकर तय कर देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वह उठा लेंगे और किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनके 3 लड़कियां ही लड़कियां थी। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दे। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और ही हो जाता है। शायद वहां की जलवायु में बुद्धि को तेज कर देने की कोई शक्ति है। मगर उनकी यह कामना 1/3 से ज्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फाजिल गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जबान तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी, और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। जो कुछ थी जबान ही की कमाई थी। कुछ बचा कर रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्चा। इसलिए इधर कई साल से बहुत तंग हाल हो रहे थे। सारा दायित्व तो मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपए में वह भोग विलास और ठाठ बाट तो क्या निपटा। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और ये भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहे, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला न छोड़ता था। कहीं से कुछ ना मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मुरव्वत के मारे कुछ बोलता न था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निपाता जाता था। आत्मसेवियों में जो निर्लजता आ जाती है वह कॉल में भी थी। तकाजे हुआ करें, उन्हें परवाह नहीं थी। मालती उनके अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी, इसलिए गृह युद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी। हवा में अभी भी गर्मी थी। आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी ना पाने के कारण वहां की धूप जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मंजली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी। दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी को कोई बात पसंद नहीं आती थी। हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम न करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी ना थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी
वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों लिए रहता था। वह चाहती थी कि जिस बीमारी में इतना स्वाद है वह उसे ही क्यों नहीं हो जाती। गोरी सी गर्वशील स्वस्थ चंचल आंखों वाली बालिका थी जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज की सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन रात दादाजी बाजार भेजते रहते, फुर्सती कहाँ पाता, मरने की छुट्टी तो मिलते नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं री, झूठी कहीं की। वरदा ने बोला, रोज भेजते हैं रोज, अभी तो आज ही भेजा था, कहो तो बुलाकर पूछवा दूं। सरोज ने कहा, पूछवाएगी, बुलाऊं। मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदलकर बोली, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज। सरोज ने नाक सिकोड़ कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है, स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजाना शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए, कुछ अजीब से आदमी मालूम होते। आपने यहां तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुकू ने उसका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुकू ने इस विषय में वह भी कुछ बोलने का साहस रखती है। तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था, उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा। सरोज बोली, पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था, वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। मालती, फिर उन्हें बुलाया ही क्यों, आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वह उनकी सी कहने वालों में नहीं है। और फिर अभी यह कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। मालती ने कहा, अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं यह भी तो सुनना चाहिए, संभव है हम ही गलती पर हों। यह लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने यह निश्चय किया था कि उनका खूब दंदा शिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हॉल में पहुंचे तो जान पड़ता था हॉल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ, उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वह उत्साह केवल मुख पर और आंखों में नहीं था। आज सभी देवियां सोने और रेशमों से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हूं। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था, और यह कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जंपर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा। विमेंस लीग में इतना समारोह कभी न हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सब सोफे पर मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराज रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए, आप भी खड़े कब तक रहिएगा। राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा। मिर्जा ने कहा, तो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए,
तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा, मिस मालती सभानेत्री हुई? खन्ना साहब, कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, आज मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूं तो आपको कोई बात खटकती नहीं, आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं। लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कला करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इससे कितना अच्छा ढंग निकाला है। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई बात नहीं, मैं कितनी ही बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूं। मेहता आगे बढ़े, इसीलिए जब मैं देखता हूं हमारी उन्नत विचारों वाली देवियां उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कला और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शेद बोले, अब कहिए, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक से बोली, अब वह दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थी, उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े, स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में, स्त्री के कर्म करते देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली, आप बहुत खुश हैं खन्ना जी। खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूं, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूं। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं, तो उससे समाज का कल्याण ना होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूं। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कृति को अधिक महत्व दिया है। वह अपने भाई का स्वत्व छीन कर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपना रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उनके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूं, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन किए जाइए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन ही नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया, मेहता कहते तो यथार्थ ही हैं। खन्ना फिर बिगड़े, मगर कोई बात तो नहीं कही, नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं उटपटांग बातों का शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार में उन्नति की। संसार ने उन्नति की है पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से, तेज से। खुर्शेद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिएगा या अपनी ही गाय गाइएगा?
मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूं कि आप इस जाल में ना फंसे। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूं उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हॉल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो उनके दिल में है। ओमकार नाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सरी हुई। राय साहब ने कहा, पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ओमकार ने कहा, जो 1,000 रुपए हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। यह केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न रखने का ढंग है। खन्ना ने मालती की ओर देखा, यह क्यों फूली जा रही है, इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शेद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं तो मैदा तुम्हें उखाड़ फेंकेगा, आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़िया फंसा कर छोड़ दी। राय साहब ने मिर्जा की तरफ आंख मार कर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं, सच कहना कितना चंदा किया। खन्ना पर छेप छा गई, मैं ऐसे समाज को चंदे नहीं दिया करता जो कला को ढोंग रच कर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वह सब पुरुष थे, जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे, सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और विमनुष्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दन काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की इस रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? ओमकार नाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शेद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया, आप भी संपादक जी निरे पोंगा ही रहे। अजी यह दुनिया है, जिसके जी में जो आता है बकता है, कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म, ऐसे ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, बिगड़ने की कौन सी बात है? ओमकार नाथ ने कहा, असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया, कुलटा के मुंह से सतियों की सी बातें सुनकर किसका जी न जलेगा? ओमकार नाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियों लग जाएंगी, फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं इसमें संदेह है। मगर बाज बने या ना बने वह हंस ना रहेगा, वह हंस जो मोती चुगता है। खुर्शेद ने टीका की, यह तो शायरों की सी दलीलें हैं, मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नर बाज। ओमकार नाथ प्रसन्न हो गए,
उस पर आप फिलोसफर बनते हैं इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलोसफर नहीं, फिलासफर की दुम है। फिलोसफर वह है जो, ओमकारनाथ ने बात पूरी की, जो सत्य से जौ भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति नहीं रुचि। मैं सत्यवत्य नहीं जानता, मैं फिलोसफर उसे कहता हूं जो फिलोसफर हो सच्चा। खुर्शीद ने दाद दी, फिलोसफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की है, वाह सुभान अल्लाह। फिलोसफर वह हो जो फिलोसफर हो, क्यों ना हो। मेहता आगे बोले, मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है, है और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है, है और पुरुषों से अधिक। लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिसे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जीवन का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालतों में जबान और कलमे चलाने से? इन नकली और प्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं? सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी, अब न रहा गया, फुफकार कर उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाँक लगाई, वोट वोट। ओमकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो, जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप ना इधर की होंगी ना उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वहीं हमारी सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहां संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहां मनुष्य पिस जाता है, जहां उसका रक्त निकाला जाता है? मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही इनमें बगावत की स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां अधिकार इसलिए चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकें। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज नहीं। मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती हैं इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा, उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए, संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है। लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती, भोग की विदग्ध दलालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपने लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहां की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरे हुए गोल बाहों का या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करने देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वह अपने लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है? राय साहब ने तालियां बजाई, हॉल तालियों से गूंज उठा जैसे पटाखों की लड़ियां छूट रही है। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी ना होगा।
संपादक जी ने विरक्त मन से कहा। सारे व्याख्यान में इन्होंने यही एक बात सत्य कही है। मिर्जा ने कहा, तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए। संपादक ने कहा, जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। मिर्जा, इसके माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते। राय साहब ने आहरे हाथों लिया, इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है। संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य या असत्य का निराकरण नहीं। राय साहब ने कहा, तो यूं कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। संपादक ने कहा, मैं उन सभी लोगों का वकील हूं जो निर्बल हैं, निस्सहाय हैं, पीड़ित हैं। राय साहब ने कहा, बड़े बेहया हो यार। मेहता जी कह रहे थे, और यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए, उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपने कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारे शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही है। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र हैं, तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थी। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का रूप, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है, तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहां सेवा का अभाव है, वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती हैं, और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। और भाषण समाप्त हो गया। धन्यवाद।